डिसएडवांटेजेस ऑफ मिसअलाइनमेंट, अगर हमारा एपी पॉइंट कहीं ऊपर नीचे हो जाता है तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, और आप ये देखिए कि क्या आप उससे सच में एसोसिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। द अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी क्वांटम, जो हमारी क्वांटम अलाइनमेंट है, और एटॉमिक एनर्जी फील्ड जो है हमारी, कंट्रोल्स द वे वी थिंक, जो हमारा पूरा अस्तित्व, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो क्या कंट्रोल करते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा फील करते हैं, और हमारी परसेप्शन ऑफ रियलिटी हर किसी के लिए अलग अलग होती है। अब वो अलग अलग कैसे होती है, वो डिपेंड करती है आपको कोई सोर्स ऑफ एनर्जी जो मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, इधर मिल रही है, इधर, मतलब वो लोकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में कहाँ है, समझ गए। हर इंसान अलग कैसे सोच पाता है, आपने कोई बात बोली अपने वे में बोली, किसी ने उसको समझा किसी और वे में, कितनी बार ये कारण होता है हमारी लड़ाइयों का, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग का, और मेरे हिसाब से तो यही कारण है सारे रिलेशनशिप्स का। आज वैलेंटाइंस डे है, इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, लेट अस टॉक अबाउट रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, चाहे जरा सी आती है, इवन आप समझिए पेरेंट्स और बच्चे में भी मिसअंडरस्टैंडिंग जब आती है ना, वो किस बात से आती है, आपने कुछ बोलना चाहा कुछ और, उन्होंने समझा कुछ और, ठीक है। लेकिन वो लोकेशन क्या है कि आपने किस किधर से बोला और उसने किधर से समझा, प्रॉब्लम ये है ना, आपकी गलती ना उनकी गलती, आप एक अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, वो अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, ठीक है। तो उसको अलाइन करने के लिए आप अपने आप को बिल्कुल सेंटर, हम अलाइन करते हैं एपी पॉइंट को। सेंटर का मतलब क्या होता है, आप जो कहना चाहते हैं और जो सामने वाला समझेगा वो बिल्कुल बैलेंस वे में समझेगा, वो आपकी बात को गलत ले ही नहीं सकता। जब हमारा एपी पॉइंट एकदम सेंट्रली लोकेटेड होता है, हम पूरे वर्ल्ड को ना उसकी भाषा में बात करते हैं, जिसको हिंदी समझ आएगी तो हिंदी में बात करोगे, जिसको प्यार समझ आएगा प्यार से बात करोगे, मतलब आप उन्हीं की लैंग्वेज में बात करेंगे, वो जो जिस चीज से कंफर्टेबल होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका माइंड बहुत ज्यादा चुस्त हो जाता है, वो परसीव बहुत जल्दी करने लगता है, ठीक है। सेंट्रल एपी लोकेशन आर वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ अचानक से ना, कई बार आप सब कहते होंगे यार हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों तबीयत खराब रहती है, ये तो ये भी बहुत सारी बात हमने सुना है, क्यों रहती है, क्योंकि आपको एनर्जी सही जगह से नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ओनली बाय अलाइनिंग दिस, हेल्थ में हमें बहुत फर्क पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल मैं अभी नमिता जी के पास आ रही हूँ, नमिता जी। हाँ जी मैम, आप बताइए अभी। आत्मा नमस्ते, हमने 4-5 दिन पहले किया था, कितने दिन पहले किया था मैम? 3-4 दिन ही हुए, ठीक है। धीरे धीरे आपको फर्क आया, मतलब मे भी आपका माइंड खुला होगा कि मैं ये भी यूज कर लूं, वो भी बहुत माइंड खुल गया, मतलब मैं जिस चीज से अकेली जूझ रही थी, कई बार ऐसा होता है कि हेल्पलेस हो जाते हम, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं को इसी लगा मैंने आपको बात करी कि मैम मुझे तो आप मेरे को हीलिंग दें, तो जो सिंस देन आई एम फीलिंग गुड, और होराइजन खुल रहे, मैं जो सोर्स समझ नहीं पा रही थी, जिस तरह से मैं अंडर बात नहीं कर पा रही थी, होने लगा, तो आई एम वेरी हैप्पी मैम, और रियली हैप्पीनेस आने लग गई अंदर। वंडरफुल। और आप बताइए कितना टाइम लगा था हीलिंग में? मैम 5 मिनट भी नहीं। एग्जैक्टली। और उसके बाद आपने मुझे कहा कि आप रोज करो, तो मैंने करा। फर्स्ट डे, सेकंड डे तो हम पिक्चर देखने गए मैम, मेरे हेडेक हो रहा था, मैं फिर भी देख के आई हूँ पठान, मैंने कहा नहीं जाना है, और उसके बाद और अच्छा हुआ, तो मतलब बेटरमेंट में तो कहीं जाने कुछ करने को ही मन नहीं हो रहा था। राइट, क्योंकि आपकी एनर्जी जहाँ से जो बैलेंस होनी चाहिए वो नहीं थी, लेकिन सिर्फ उतना सा शिफ्ट करने पे, वो भी सिर्फ सिंगल टाइम शिफ्ट करने से, सोचिए धीरे धीरे वो उनकी अपनी मतलब बैलेंस होने लगा, उनका मन जो हमारा इंट्रोवर्ट हो रहा था वो बैलेंस आके ना एक्सट्रोवर्ट ना इंट्रोवर्ट बिल्कुल बैलेंस होने लगा। बिल्कुल। राइट, तो ये मैं। और हमें कितना मिनट लगा? सिर्फ 5 मिनट, सोचिए कितनी मिरेकुलस ये हीलिंग मोडालिटी। बिल्कुल मैम, आप लोगों को आज मैं ये फाइनल करा दूंगी, जिससे आप लोग रोज करें, 1 महीना रोज करेंगे ना, आप सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हमें कई बार हम कहते हैं ना यार हमें ये इंसान समझ नहीं रहा, हमें वो, बेसिकली वो सब चीजें हमसे ही आती है। हमारे कितने सारे रिलेशनशिप होते हैं कि देखो, मैं ये नहीं कहती सारे रिलेशनशिप आपके मैंड हो जाएंगे, हो सकते हैं हो जाए बिल्कुल, क्योंकि सिचुएशंस फिर क्रिएट वैसी हो जाती है, लेकिन आप सब चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हो, बहुत सारी चीजें सुधर जाती है, और सब चीजें सिर्फ बेटर ही लगने लगती है, हमारे ही एक्चुअली थिंकिंग प्रोसेस बहुत बेटर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रल एपी लोकेशन आर वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब देखिए ये सोशल डेवलपमेंट क्यों, नमिता जी मैं फिर से आपसे बात करती हूँ, जब आपकी हीलिंग हुई, ठीक है,
तो सोशली क्या उसका असर आया, आप मुझे सब सोच के बताइए, सोशली क्या असर है? अभी आपने फर्स्ट बताया कि आप अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने गई, तो यू डिस्ट्रीब्यूटेड हैप्पीनेस अमंग द सोसाइटी, यस साथ मैम, में गई, यस मैम, यस मैम, ठीक है, आपकी सब, और सबसे बहुत अच्छी बात हुई होगी। यस मैम। मतलब मैं जो जिस चीजों से मैं जो जहां पे भी मैं अटक रही थी या मुझे लग रहा था रिलेशनशिप्स में, वहां मुझे ना एक वे आ गया बात करने का। तो वो उनकी तरफ से भी उतना ही, वो ही वे से मेरे को उनका आंसर आया। मतलब तो मेरे को लगा कि शायद मेरे अंदर ही चेंज आया, तो सामने वाले का रिएक्शन भी वैसा ही आया, मतलब लविंग एंड एग्जैक्टली केयरिंग। राइट। तो क्या होता है, हम सोशली भी डेवलप करते हैं और सोसाइटी भी डेवलप करती है, सोसाइटी हम ही है, ठीक यस है, मैम, अकंपनीड बाय अल्फा स्टेट ऑफ ब्रेन। अल्फा स्टेट ऑफ ब्रेन कौन बताएगा मुझे क्या होती है? रामजी सर आप बताएंगे व्हाट इज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड? यस मैम, जी व्हाट इज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड? अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। जी हाँ, स्टेट माइंड के 3 स्टेज होते हैं, अल्फा, बीटा एंड थीटा। ठीक है उसमें अल्फा में आदमी होश में रहता है, जी, और बीटा इन में प्रेजेंस थोड़ा सा, हाँ, इन प्रेजेंट, बीटा में राइट थोड़ा सबकॉन्शियस में थोड़ा सा जाता है, पूरा नहीं, थीटा पूरा सबकॉन्शियस में होता राइट बिल्कुल ठीक। तो अगर थैंक यू वेरी मच सर है। नहीं, इट्स जी, तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में क्या होता है, आप प्रेजेंट में रह के बात करते हैं, आप वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते, ठीक है, जब एपी आपका अलाइन हो जाता है तो आप ये नहीं सोचते यार वो मेरे बारे में क्या कह रहा होगा क्या सोच रहा होगा, नहीं सब हटा दो, अभी ये प्रेजेंट है, आई लव दैट पर्सन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। आपको हिम्मत जुटानी नहीं पड़ती, आपके अंदर खुद में हिम्मत होती है, क्योंकि भगवान ने जो ह्यूमन बीइंग बनाया है ना, पता है मैं ये बात ना बहुत टाइम से सोच रही थी, मैं सदगुरु को फॉलो करती हूँ, आप आई बिलीव बहुत सारे लोग करते होंगे सदगुरु को फॉलो, मैम, यस तो मैम, उनकी ना यस ये बात मैम, मुझे लगती है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज लाइक अ मशीन एंड इट हैज सो मेनी यू नो पॉइंट्स, हम इस मशीन से पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। मुझे धीरे धीरे समझ पे मैं इस चीज में जुट गई कि यार अगर हमारी ह्यूमन बॉडी एक मशीन है तो इसका एक कहते हैं मैनुअल कहाँ है, हम इस बॉडी से क्या क्या कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट मैनुअल तो नहीं है लेकिन ऐसे ही एनर्जेटिक मैनुअल है जिससे हमारा फिजिकल जिसका बहुत इफेक्ट आता है, ठीक है, तो यही फिजिकल इफेक्ट है कि अगर हम एनर्जी सिस्टम को बस जरा सा ऐसा चेंज कर देते तो पूरा फिजिकल इफेक्ट आपको आ जाएगा, हेल्थ अच्छी। हम आजकल किस चीज के लिए स्ट्राइव करना चाहते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारा सोशल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, हमारे पास फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, यही तो चारों चीज है ना, बाय अलाइनिंग एपी पॉइंट आपको ये चारों चीजें मिल रही है, क्योंकि यस मैम, हम जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, सभी कुछ उसी से ही आ रहा है। सोच रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, अकम्पनीड बाय अल्फा स्टेट ऑफ ब्रेन जो बिल्कुल प्रेजेंट में है, नॉर्मल बीपी हो जाता है, लाइक अब फिजिकली में क्या आपके बीपी है, शुगर है, हार्ट रेट अनबैलेंस्ड है, कोई भी ऑर्गन ऑर्गन पे इफेक्ट आया, इनफैक्ट वो ऑर्गन भी ठीक होने लगता है, आप सोचिए कितना ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों क्यों कोई ऑर्गन क्यों खराब होता है, काम करना क्यों बंद करता है, क्योंकि उसको सफिशियंट सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही, ठीक है ठीक है। लेकिन अगर आपका चैनल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका एक सेंट्रल चैनल होता है जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, वहां पे अगर सप्लाई ऑफ एनर्जी बिल्कुल ठीक होगा तो ऑफ कोर्स उसकी ट्रिब्यूटरीज भी ठीक ही होंगी, धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी ना। अभी जैसे तविशा जी ने बोला मेरे लेफ्ट जो उनका राइट शोल्डर में पेन हो रहा है, आई थिंक राइट तविशा जी, जी बिल्कुल जी, राइट शोल्डर में जो उनके पेन हो रहे हैं ना, बेसिकली पहले अलाइनमेंट नहीं थी, जैसे जैसे अलाइनमेंट आ रही है वो जो उनको एक फीलिंग ऑफ बर्डन है वो धीरे धीरे जाता जाएगा, एंड शी विल डू इट वेरी इजीली राइट। वो उनका इमोशनली भी बेटर होगा, फिजिकली भी बेटर होगा, लेकिन बिकॉज वो ब्लॉकेज आई हुई है, अब वो सेंट्रल लाइन पे उनको मिलेगी एनर्जी, तो उनका धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गन्स भी इससे बहुत बेटर होते हैं। अब लो राइट एपी अगर लोअर साइड में और राइट साइड में, लोअर साइड में है तो फिजिकल और मेंटल डिप्रेशन आता है। देखिए जो बच्चे कई बार ना पढ़ाई से डिप्रेस होने लगेंगे, आप उनसे पूछिए, बहुत लोग ना उनको पेन होने लगता है, पेट में दर्द हो रहा है, लीवर की साइड दर्द हो रहा है, राइट और लोअर है, ठीक है, बेसिकली वो लीवर में दर्द नहीं हो रहा होता, वो एपी चेंज हो गया होता है, वहां पे चला जाता है, ठीक है, वो डिप्रेशन में आ एपी जाते हैं जी। मीन्स मैम, एपी मीन्स एपी मीन्स दिस पॉइंट, क्या यार मैं नाम इसका, मैं एपी एपी बोलती हूँ उसे, असेंबलेज पॉइंट, ठीक है, इसका नाम असेंबलेज पॉइंट है।
अगर लोअर राइट में जाता है तो फिजिकल और मेंटल डिप्रेशन होता है। तो कोई भी इंसान जो डिप्रेस है ना, आप देखिए कि आपके जो सेंट्रल पॉइंट से राइट में अगर नीचे की तरफ किसी को एपी आप देखते हो ना, किसी का एपी आता है, तो वो पर्सन डिप्रेस्ड ही डिप्रेस्ड है। और अगर कोई डिप्रेस्ड है, आप उनसे पूछिए कि आपका यहाँ पे दर्द देखिए, यहाँ पे कहाँ है, आप उनसे दर्द देखिए, जो टेंडर पॉइंट लोकेट करेंगे 100% वो राइट साइड में होगा, नीचे की तरफ। तो आपको बस अपना प्रोसेस करना है, उठाना है और उसको सेंट्रल करना है, तो वो बंदा बहुत जल्दी डिप्रेशन से निकल आता है। आपको मालूम है, अगर आप ये चीज करते हैं तो आप किसी की सुसाइडल टेंडेंसी एकदम से खत्म करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। इतने सारे केसेस मेरे पास आते हैं कि जो पता है आजकल जैसे बच्चे होते हैं, उनका बॉडीली शेप खराब हो गई या फिर वो सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती है। या फिर आप समझो, एक मेरे पास केस आया था, बच्चा मैंने शायद आपको बताया भी था, फर्स्ट फ्लोर से जाके कूद गया क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे, राइट? मार्क्स की वजह से आपके, और एक अभी आया था मैरिज प्रपोजल, उनको एक्सेप्ट नहीं था, तो वो सुसाइडल टेंडेंसीज। लेकिन सुसाइडल टेंडेंसीज मैरिज प्रपोजल की वजह से नहीं था, वो कुछ और वजह थी उनकी, लेकिन सुसाइडल टेंडेंसीज एकदम आप समझो उस वो ठीक हो जाती है। ये पॉइंट आप कर देंगे ना ठीक, वो सुसाइड एटलीस्ट आप किसी की लाइफ बचा पाएंगे। आपको मालूम है किसी की हाथ के हाथ लाइफ कैसे बचानी है। अगर कोई भी इमरजेंसी केस आता है, आप फटाफट उनका असेंबलेज पॉइंट ठीक कर देंगे, सेंट्रल कर देंगे, आप मतलब बहुत बड़ी हेल्प करेंगे उनकी। अब लोअर लेफ्ट में आता है अगर, तो कैटाटोनिक सिम्टम्स, मतलब एकदम से ना माइंड से जैसे कॉमा, एक स्टेट होती है कॉमा स्टेट में आ जाना, या माइंड से सुध-बुध खो देना, वैसी सिचुएशन होती है। बेसिकली यू लूज योर माइंड जब लेफ्ट साइड में होता है तो लोअर, ठीक है? तो उसके अंदर आप कॉमा में चले जाते हो या डिमेंशिया में, अगर कोई जो मोस्टली आपके एजेड जो लोग होते हैं, है ना, हम कहते हैं डिमेंशिया हो गया, ऐसी जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, भूलने लगे हैं, कुछ होने लगा है, तो उनकी लेफ्ट साइड, लोअर लेफ्ट साइड में ये आता है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट रेट लो एंड वीकेंस द मसल, मसल्स को वीक कर देते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अगर ब्लड प्रेशर लो है काफी तो मसल्स तो वीक होंगी होंगी। अब जो हाई साइड में जाएगा ना, हाई साइड में जाकर बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि एक तो क्योंकि हाई बीपी वगैरह हो जाता है, हाई ब्रेन एक्टिविटी। हाँ, सारी वो ठीक हो गया, डाल दो की आधी। तो हाई में जाके ज्यादा हाई बीपी हो जाता है और माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से कभी स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं। तो हाई साइड तो, और सोसाइटी के लिए वो इसलिए डेंजरस होता है बिकॉज हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो मैनिक भी हो सकता है इंसान, है ना? जैसे जो लोग मैनिक नहीं हो जाते, या फिर कोई जिनके अंदर टेंडेंसी हो जाती है कोई क्राइम करने की, रेपिटेटिव क्राइम करने की, तो वो लोग वो मैनिक हो जाते हैं, जो अगर हाई लेवल पे आ गया, सेंट्रल पॉइंट से ऊपर आ गया तो। हेलो।